स्टार्ट कर दिया। सो इस गलती की वजह से मैंने करीबन अपना अपना सब सब लॉस्ट कर दिया, जो भी जमा किया हुआ था, इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर मैं आया था। तो आपका भाई मास डूब पड़ा है। Assalamualaikum, so भाई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो भाई इस वक्त है हम अपने रिजॉर्ट पर। अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो कल वाला व्लॉग देख लो। आपका भाई गया था भाई ऊपर स्नोफॉल में, बट स्नोफॉल हमें लाइव ही नहीं मिली, लेकिन बर्फ पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर ही इंजॉय किया है। और मेरी तबीयत खराब थी, बट आपके भाई ने इंजॉय लाजमी किया है। बट मिस किया है सबा और बासिल और सारी फैमिली को, क्योंकि उनका बड़ा दिल था आने का और मैंने उनको कटा दिया था, क्योंकि मुझे था थोड़ा सा काम, और मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से कम्प्लीट। और आज हमें यहाँ से जाना है पेशावर, और चंद बातें हैं जो कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, ताकि तुम लोगों के काम आए, क्योंकि आपके भाई ने सीख ली है, अब बारी आपको सिखाने की। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग सोच के स्टेप ले सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत स्टेप्स ले लिए थे जिस वजह से आज ठोकरे खा रहा हूँ गाइस। ठोकरे वो तुम लोग को नहीं पता क्या ठोकरे, तो तुम लोग को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं भाई, नाश्ता वाश्ता करते हैं यार, ताजी ताजी धूप खा रहे हो। हाँ ओ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई फ्रेश फ्रेश धूप खा रहे हो। हाँ ये पीछे से भाई रात में जो है ना यहाँ पर माइनस टेम्परेचर भी हो जा रहा है सवात के अंदर, जहाँ हमारा रिजॉर्ट है इधर इधर माइनस हो जा रहा रात। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर बारिश हुई इधर भी बर्फ हो सकती है, जिसके बे इंतहा चांसेस है। बट मौसम खराब होने की देर है, और मौसम खराब नहीं हो रहा है, धूप पड़ रही है दिन में, और रात में जो है ना बस वो हल्की सी मतलब बादल के बगैर बड़ी ठंडक होती है, वो ज्यादा भी लगती है। लेकिन अगर बादल हो जाए तो बर्फबारी भी हो सकती है रात। तो ये दरख्त का इंतजार है, कब इसके ऊपर बर्फ गिरेगी, वो वहाँ पर क्यों मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा हंसी लगेगा चारों तरफ। और जिस जगह पे आप हैं ये तो आप देखे ना, उधर दिखाया ना यार किस कदर का खूबसूरत लगे अगर बर्फ गिर गई। अगर बर्फ तो भैया आगे मेरा नाश्ता, नाश्ते में है अंडा, और ये है भाई अंडे वाली दाल, और साथ साथ चाय भी है, तो खाते हैं भाई नाश्ता। तो भाई नाश्ता हो गया है, और अब आपको बताते हैं हम अपनी छोटी सी एक गलती। यार बॉयज भाई बताने लगा हूँ लोगों को जो गलतियाँ की है मैंने। तो गाइज वो बात ये है कि बिजनेस के हवाले से छोटी सी एक बात बता दूं यार, जब तक तुम्हारा कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल ना हो जाए ना, तब तक दूसरा बिजनेस मत करना। फॉर एग्जाम्पल इधर पड़े हैं मेरे पास तीन गिलास में से मेरा एक गिलास भी फुल नहीं हुआ, और मैंने दो गिलास और भी आधे आधे भर लिए, तो क्या होगा, ना वो गिलास कंप्लीट कभी भर पाऊंगा मैं। तो इसलिए पहले मैं एक गिलास को फुल करूंगा, देन उसके बाद मैं दूसरा फुल करूंगा, फिर तीसरा फुल करूंगा। इससे क्या होगा, इससे तीनों गिलास जो है ना मेरे वो फायदे में होंगे। बट अगर मैं थोड़े थोड़े भर के चलता रहूंगा आगे, तो कभी भी फायदा नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में यही गलती की है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने पूरा गिलास नहीं भरा और दूसरा स्टार्ट कर दिया, दूसरा किया दूसरा पूरा नहीं भरा तीसरा स्टार्ट कर दिया। सो इस गलती की वजह से मैंने करीबन अपना अपना सब सब लॉस्ट कर दिया, जो भी जमा किया हुआ था हर एक चीज मैंने जाया कर दी है, जाया, सिर्फ अपनी एक गलती की वजह के एक बिजनेस को टाइम नहीं दिया, मल्टीपल बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो उससे हुआ ये कि दो बिजनेस तो सही चल रहे थे, बट एक बिजनेस ऐसा किया जिसने उनका भी पैसा ले लिया और खुद भी डूब पड़ा। और ये हुआ क्यों, लाइक चलो किया, क्या सोच के किया, ऐसा हुआ कुछ इस तरह। यार आप देख रहे हो पीछे आपके भाई ने इतना बड़ा रिजॉर्ट लिया हुआ, इसका मंथली एक्सपेंस जो है ना वो है टोटल 4 मिलियन मंथली एक्सपेंस। तो ये 4 मिलियन आप कब तक अपनी जेब से दे सकते, कब तक, 23 ईयर ओल्ड ने जितना भी कमाया पूरे एक साल तक इसको रखा और एक साल तक पाला, और फिर वो खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। सिचुएशन क्यों बनी कि खत्म हो गया, कि जिस टाइम मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम मुल्क की सिचुएशन हो गई थी खराब, जितनी भी हमारी मुल्क की क्राइसिस थे इकोनॉमी को लेकर वो पूरे डाउन थे, डॉलर तेजी से ऊपर जा रहा था, महंगाई तेजी से ऊपर जा रही थी। तो कुछ हुआ ये, हमने जब ये ले लिया, हमने जब इस बिजनेस में अपना खुद गए, तो जैसे ही इसको ओपन किया उसके बाद से ऐसे क्राइसिस आए मुल्क के ऊपर कि ना यहाँ पर ऑडियंस आ सकी है, सिर्फ सिर्फ ऑडियंस की ही वजह से हम इतने लॉस में गए। और वो ऑडियंस क्यों नहीं आई, वो मुल्क की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि टूरिज्म खत्म हो गया था, ठीक है, लोगों में बाइंग पावर इतनी नहीं थी कि वो मज़े से घूम सकें,
इंजॉय कर सके, टूरिज्म में पैसा इन्वेस्ट कर सके। पूरा साल हमारा जीरो गया है, जीरो। तो ये मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है कि गलत टाइम पे गलत बिजनेस को ओपन करना। मतलब उस टाइम का मुझे पता नहीं था कि यार जब मैं ये रिजॉर्ट लूंगा तो मुल्क की सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि मुझे अपना सारा पैसा लॉस करना पड़ेगा। काफी दिल में छुपाई हुई थी कि यार तुम लोगों को कुछ सीख दूंगा, तुम लोगों को कुछ बताऊंगा। आपके भाई के साथ कुछ इस तरह हुआ है, बताना लाजमी था क्योंकि इससे जो है ना तुम लोग को भी सीखने को कुछ मिलेगा। गलत टाइम पे गलत जगह इन्वेस्ट कभी भी मत करना। अब हम तो भाई प्यार के मारे हैं तो हमें इतनी खूबसूरत जगह मिली बट मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी जो लोग आते हैं बहुत तारीफ करके जाते हैं बट वो जो लोग होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो घूमते हैं फिरते हैं। टूरिज्म जीरो चल रहा है पाकिस्तान में, जीरो। कोई भी जो लोग हैं वो घूम नहीं रहे सही से। सही है, उनके हालात ठीक नहीं है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से दूसरों के बिजनेसेस खराब हुए। ये पूरी सवाद की पट्टी जो है ना, पूरी सवाद की पट्टी, कलाम, मालम जब्बा, फिजागढ़, जहाँ जहाँ पर होटलिंग है, जहाँ जहाँ पर रेस्टोरेंट है, सब क्राइसिस। हर एक बंदे ने इस पट्टी पे लॉस किया। कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो प्रॉफिट में गया हो और सिर्फ मैं ही लॉस में गया हूँ। पूरी पट्टी, पूरा सवात लॉस में गया है इस पूरे साल। इधर जितने भी ज्यादातर होटल्स हैं सबके अपने हैं, बहुत कम ब्रांड हैं जो के रेंट के ऊपर है। जस्ट मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले ली थी रेंट के ऊपर, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यार मुल्क के हालात ठीक थे उस टाइम पे और इससे मुझे फायदा होगा, और फॉर श्योर होता भी, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी बड़ी हमारी ऑडियंस है, इतने ज्यादा लोग जानते हैं, इतने ज्यादा मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पता है कि मेरे यहाँ पर रिसॉर्ट है, सबको पता है मेरे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, लेकिन वो लोग जस्ट सिर्फ देख रहे हैं। एक होता है ना ऑनलाइन बिजनेस और एक होता है आपका ऑफलाइन बिजनेस। ये हमारा ऑफलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस में हम जीते हैं क्योंकि हम घर घर पे लोगों को अपने पार्सल या अपना कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं, बट आप जो हो ना ये ऑफलाइन बिजनेस घर घर पर डिलीवर नहीं करवा सकते हो। यहाँ पर लोगों को आना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर रहना पड़ता है, लोगों को यहाँ की सर्विसेज लेनी पड़ती। बहुत कोशिश की, स्टाफ अच्छा रखा, चीजें अच्छी रखी, हर एक सर्विस बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, बट वो किसको दें? भूतों को दें क्या? पूरे साल हमने सिर्फ भूतों को ही सर्विस दी है। पूरा पूरा हमने स्टाफ रखा, पूरी पूरी चीजें रही, एक्सपेंस हमारे एक्सट्रीम पे रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है, चीजें फटाफट से खराब होती हैं। ये चीज पहाड़ बनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये पत्थर है ना, इस पत्थर को हमने नहीं काटा है, हमने ये लैंड पे नहीं बनाया, पत्थरों पे ही बनाई है, पत्थरों पे ही दीवार खड़ी की हुई है। सारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ये पहाड़ों के मिड में है, तो मतलब यहाँ पर सीलिंग भी बहुत जल्दी से आती है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी भी यहाँ पर आ जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगती थी। तो मैं करता गया, मैंने बोला कि कहाँ तक मेरा एंड होगा, वो एंड मेरा आज हो गया है। एंड बताने का कि तुम लोग को पता लगे कि आपके भाई ने क्या गलत फैसला किया था और किस गलत जगह पर फंस गया था, और जगह बहुत खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग जगह है, बट लोग नहीं है तो गाइस हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लोग नहीं है तो आपका सर्वाइवल मुश्किल होता है पहाड़ों की जगह पर, क्योंकि आपके एक्सपेंस इंतहा के होते हैं, आपकी जो रेंट है वो इंतहा का होता है, तो वो कवर आता है आपके लोगों से। मैंने पूरा साल इसमें अपना जेब से डाला, यूट्यूब से लिया, इधर डाला, फ्रेगरेंस से लिया, इधर डाला, सब कुछ इधर डाल दिया, हर एक चीज़ मैंने इधर डाल दिया, बट अब बताने का वक्त था तो बता दिया। गलत फैसले आपको यहाँ लाके खड़ा कर देते हैं। ये हमारा अच्छा फैसला भी हो सकता था बट ये गलत फैसला हो गया मेरे हक में, बट इसको मैं अच्छा भी काउंट करूंगा, बुरा भी काउंट करूंगा। अगर लोग होते, अगर मुल्क के हालात ठीक होते, अगर यहाँ पर सैलाब वगैरह नहीं आते होते, यहाँ पर बम धमाके नहीं हो रहे होते, इतना कुछ ज्यादा भी नहीं होता, लोग, मैं भी आता हूँ, हर महीने आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत पुरसकून माहौल है यहाँ का, कोई यहाँ पर उस तरह का तशद्दुद नहीं है, उस तरह के यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है जिससे इंसान डरे। जबी तो मैंने यहाँ पर अपनी पैसे इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर मैं आया था, तो आपका भाई मास डूब पड़ा है, वो हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। अल्लाह हर चीज बेहतर के लिए करता है और हर चीज में बेहतरी होती है। मैं पैसों का कभी भी गम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार पैसा निकलता है तो पैसा आता है, क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है जितना मैं देता हूँ उसको खर्च करो, तो बस हमने खर्च किया लोगों के लिए। बट आज मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो हम हंसते खेलते आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते इस रिजॉर्ट के हवाले से, इस बिजनेस के हवाले से, बट मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे तो फिर हम आपको कैसे बताते? इस पैसों को अगर मैं अपने उस बिजनेस में डालता जो मेरे इतने इतने हुए में पानी से गिलास, इतने नहीं हुए, इतने इतने हुए में, तो वो इतने गिलास हो जाते।
इससे मैंने ये सीखने को मिला है कि यार अच्छा प्रिडिक्ट करके मत करो बिजनेस, सही है, सारी सिचुएशन देखो, पूरा सर्वे करो, एक एक चीज, एक एक बारीकी को नापो, एक एक बारीकी को कि यार अगर ऐसा हो गया तो यहाँ तक हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। तो ये जरा सोच समझ के अपनी लाइफ में फैसले लेना, फैसले ही आपको जितवाते हैं, फैसले ही आपको मरवाते हैं। आपको मैंने कुछ सिखाना था, उम्मीद है आपने इससे सीखा होगा। गलत जगह फंस जाओगे तो बढ़ जाओगे, प्रोग्राम तो बढ़ गया। थैंक यू सो मच, आपने कुछ सीखा होगा। और अपने भाई की स्टोरी से अब सेट मत होना यार, क्योंकि सीखने को मिला मुझे बहुत कुछ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंसान पता कैसे सीखता है बिजनेस, इंसान जब ही सीखता है जब वो बड़ा लॉस करता है। बिजनेस अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिटेबल बनाए तो लिटरली आपने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन अगर आपको वो लॉस दे और आपका वो चीज़ ज़ाया हो जाए तो समझ लो आपके आगे के स्टेप जो होंगे ना वो बड़े ही काबिल तरजीह होंगे। तो एक बार आपका भाई हो गया ज़ीरो, अब इंशाल्लाह आगे फर्दर आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन बार बार कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हो जाएगा ये कुछ हम कर लेंगे, उसके बाद हम आपको अपडेट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपडेट की है, वरना हम पूरे सीरीज लेके चलते हैं कि यार बिजनेस में अब क्या चल रहा है, क्या, क्योंकि मेरे व्लॉग जो है ना बिजनेस रिलेटेड नहीं होते, मेरे व्लॉग जो है वो इंटरटेनमेंट है। बट तुम सबको पता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो मेरा राइट था कि तुम लोग को बताना चीज़ें आती हैं। तो दिल मत हारना अपना, अपना मोटिवेशन नहीं हारना, अपने अपने आप को ज़ाया मत करना, सही है। मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा मेरा कितना लॉस हुआ है, यहाँ पर 4 CR का लॉस करके बैठा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, खुश हूँ, यस खुश हूँ, 4 CR का लॉस करके खुश हूँ। तो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा तो इसी तरह खुश रहना है, स्माइल करना है। मैं तुम लोग के साथ हूँ और तुम लोग मेरे साथ हो, बस मेरी यही मोटिवेशन होती है। कभी भी मेरे व्लॉग से तुम्हें बुरा सीखने को नहीं मिलेगा, कि बुरी बात कोई मैं बता रहा हूँ तुम लोग को या तुम्हें कोई बुरी हरकत दिखा रहा हूँ, कभी भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह अच्छा ही देखोगे, अच्छा ही पाओगे इंशाल्लाह। बाकी का व्लॉग पेशावर का कंटिन्यू, बस बार बार रोने नहीं डालने, मैंने एक बार तुम लोग को बताना था, बता दिया। ओ यार पूरा पूरा बैग जो है ना फैला हुआ यार, अभी सब हो जाए तो सारा बैग जो है ना वो सेट कर दी थी, अभी मुझे सेट करना पड़ेगा। गाइस फटाफट से करते हैं सेट और रखते हैं गाड़ी में, चलो 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 चलो। हेलो हेलो हेलो, रुकने आए हो? आ जाओ, कैसे हो, ठीक हो? लेट्स गो, ठीक है भाई, यहाँ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो भाई टीम जो थी ना वो हमारी उतर चुकी है, क्योंकि उनको जाना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में है काम और हम जा रहे हैं पेशावर, उनकी फ्लाइट वहाँ से, हमारी फ्लाइट यहाँ से। लोग ये सोच रहे होंगे कि यार माज ने जो है ना बिजनेस इतनी दूर क्यों किया और अपने शहर कराची में क्यों नहीं किया, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ यार, देखो प्यार एक ऐसी चीज होती है ना जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जैसे कि सबको पता है तुम्हारी ऑडियंस को स्पेशली कि तुम्हें पहाड़ों से और बर्फ से और मतलब लाइक एनवायरनमेंट से कितना प्यार है, तो इसी प्यार के चक्कर में तुम सिर्फ इधर आ गए। ऐसा ही है बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा, यही है कि आप जो लॉस प्रॉफिट भी करोगे, आप लॉस भी करोगे, लेकिन दिल छोटा नहीं करो और लॉस को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। अल्लाह पाक ने दिया था, अल्लाह पाक इसे बढ़कर और भी दे सकता है। हम कोई पैदा होते अपने साथ थोड़ी लेके आए। ऐसा ही है, कमर टूट गई यार, कमर टूट गई बेटे बेटे ना। ओए, तो गाइस बीच में हमने भी स्टॉप लिया, बीच में आ चुके हैं सवात और पेशावर के। सो थोड़ा बहुत सा करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, सॉरी चाय पीते हैं। कैसे करके जाए, यही करता है, बासिल कहाँ घूम रहा है? चाय के साथ साथ कुछ खाना पीना भी थोड़ा सा हो जाए तो क्या लें, क्या लें, क्या लें? यार मैं बोलता हूँ डोनट्स पकड़ लेते हैं, डोनट के साथ चाय। यहाँ पर हमारे डोनट्स और चाय आ चुकी है, तो पीते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई पेशावर और अभी हम एक हुजरे में बैठे हुए हैं और सामने मेरे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो कि इतने प्यारी पश्तो बोल रहे हैं। इनको उर्दू नहीं आती, सिर्फ पश्तो ही आती है, तो सुनते हैं मुंह से पश्तो। इतने खूबसूरत बच्चे होते हैं। पापा से ऑफिस के मिसल चाचू सर थे, मुझे टाइम रहा जी। वैसे भी कुछ पूछवाओ यार, मैं भी कुछ पूछता हूँ इनसे। हाँ पूछो, कुछ बोलो, बताओ ना मेरे को। सेंगे तो मुझे पता है, तो बोलेंगे ठीक थे। दूसरा बताओ कुछ। इस्ता सनुम दे, इस्ता नुम, इस्ता, इस्ता, इस्ता सनुम दे, सनुम दे, इसका नाम क्या? हाँ इस्ता सनुम दे, हमदानी दे, पखपल वही करना, इस्ता सनुम दे, इस्ता सनुम दे, हमदान खान का ना। तो अभी यहाँ पर हम पीते शायद कावा शावा,
और उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे नमक मंडी। काफी टाइम से जो है नमक मंडी नहीं खाई है, जो कि सीख पे गोश्त बनता है सिर्फ नमक में। तो फटाफट से कहावा पीते हैं और चलते हैं फिर खाने। तो भाई पहुंच चुके हैं नमक मंडी। हर तरफ यहाँ पर दुम्बे ही दुम्बे लटके हुए भाई, और सबसे फेमस मंडी है पिशावर की है, जहाँ पर आपको नमकीन गोश्त मिलता है। काश मैं फूड ब्लॉगर होता तो फिर आपको पूरा विजिट करवाता। मैंने लगवाए भाई रिब्स, सिर्फ रिब्स जो कि नमक में बनेंगे। ओए 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 ओए, ये डिप किया। ओए ओए ओए, टाइम पर टेस्ट नहीं रहा उसका यार, लेवल काफी। तो खाते हैं पैसे पूरे पूरे। तो भाई पहुंच चुके हैं भाई रूम में, और रूम कुछ है हमारा भाई ऐसा, आज से हम 2 साल पहले आए थे और 2 साल बाद अब आए भाई। अबे भाई, ओ भाई साहब, मैं कहां लग रही है ये, और नीचे कहीं लग रहा है, ये लग रहा है अच्छा है भाई रूम। तो इस व्लॉग को यार इधर से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो। दिल जोड़ा मत करो यार, आपकी भाई की बातों से बड़ा दिल रखो, मतलब बड़ा दिल है हमारा, बड़ा दिल है, तुम लोग भी अपना बड़ा दिल रखो। और दूसरा है कि बस थोड़ी बहुत सी दुआएं चाहिए आपके भाई को, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं बस। इस व्लॉग को बस मैं एंड कर देता हूँ, और थैंक यू सो मच यार, और कुछ सीखा होगा आपने इस व्लॉग से। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।